बात तो मैं आपको बताऊंगी जी, हमारा पहला जनरेशन नहीं है जो कांग्रेस में, इट्स माय फोर्थ जनरेशन रादर। जो पहले तो आप मानते ही होंगे कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया, और मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर मेरे जो दादाजी थे हवा सिंह नरवाल जी, वो तो बड़े सक्रिय तौर पर राजनीति में रहे, और उनकी साख, उनके बारे में मैं खुद कुछ नहीं कहूंगी। आपने साथ भी, आपके साथ लोग बैठे हैं, पत्रकार मेरे भाई हैं यहाँ पर, और बाकी भी हल्के में आप किसी से पूछेंगे, वो अपनी जबान के पक्के थे, जो उन्होंने कह दिया उस पर अटक रहे। मैं उस परिवार से आती हूँ, फिर मेरे पिताजी वो राजनीति में काफी सक्रिय रहे, बट वो किसी लोभ लालच से परे रहते हुए कांग्रेस पार्टी की और उसकी जो नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, किसान के समर्थन में नीतियां हैं, युवा पीढ़ी के समर्थन में जो नीतियां थी, उनके लिए काम करते रहे। उन्होंने कभी किसी लोभ लालच में आके पार्टी बदलने का या अपनी कोई विचारधारा बदलने का नहीं सोचा। और मैं उसी परिवार से आती हूँ, उसके साथ मैं भी पूरी निष्ठा से और पूरे, वो कहते हैं ना, नित नियम से अपनी पार्टी के लिए और अपने देश, सर्वप्रति अपने देश के लिए काम करना चाहती हूँ जी। प्रियंका जी, आपने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत दाहर से की थी, उसके बाद आप कितना कर चुके हैं आपके यहाँ जी? उसके बाद हम 6 से 7 गांव कवर कर चुके हैं, 7-8 कॉलोनीज कवर कर चुके हैं। अगर मैं आपको पूरी लिस्ट आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिस्ट दे दूंगी। हर हफ्ते हम 2 प्रोग्राम करते हैं कॉलोनी में, जिसमें हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की भी बात करते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारा विद्यानंद कॉलोनी जो उग्राखेड़ी के पास है, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, जहाँ हमने मेजरली फोकस किया था कि धर्म के नाम पे हम अपने पानीपत जो हमारा ग्रामीण सीट है उसको बंटने नहीं देंगे। तो इस क्रम में दाहर के प्रोग्राम के बाद एक भी ऐसा हफ्ता नहीं आया जिसमें हमारे प्रोग्राम ना हुए हो। हर हफ्ते हमारे 2 या 3 प्रोग्राम हो रहे हैं, चाहे उसमें 10 जने हैं, 20 जने हैं, 50 जने हैं, इट हार्डली मैटर्स। हमारा मकसद ये है कि जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हमारी पार्टी की प्रोग्राम है और जो हमारी विचारधारा है, वो जन जन तक, हर घर तक, हर मनुष्य तक पहुंचे। आपको कांग्रेस क्यों अच्छी पार्टी लगी? कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से जी। कांग्रेस पार्टी अच्छी क्यों लग रही है? पहला तो एक जनरेशनल फैक्टर हो गया कि जी, अब कितनी पीढ़ियों से हम इस पार्टी में हैं। एक वफादारी जो होती है, एक निष्ठा होती है, वो आपकी हो जाती है, आप एक ही पार्टी की तरफ। ये परिवार है, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है। किस टाइप की विचारधारा है? जिसमें अपने देश के लिए समर्पित रहने का, अपने देश के लिए काम करने का और हर वर्ग को साथ लेने का। सबसे बड़ी जो कांग्रेस का प्लस पॉइंट है, मैं आपकी बात सही मानती हूँ, कांग्रेस ही क्यों, 2 मेरे दादा पर दादा सब कांग्रेस में थे और मेरे पिताजी भी कांग्रेस में, बट हमारी जो जनरेशन है, रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग मुझे लगता है आज के टाइम पे मस्ट है। वो कहते हैं ना, अंधभक्त जैसे हम यूज करते हैं, किसी भी पार्टी के लिए हमें अंधभक्त नहीं होना चाहिए। मगर आज के टाइम पे अगर आप नीतियों की बात करो, आप विचारधारा की बात करो, तो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है। आप किसान देखिए, किसान की आय दुगनी करने की बात हुई थी, बट कौन सी पार्टी में, अगर पीछे जाइए आप, कांग्रेस सरकार के समय पे जाइए, कांग्रेस सरकार के समय पे कांग्रेस पार्टी किसान की क्या दशा थी, और आज के समय पे अब ये किसानों की जो फसल खराब हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना बड़ा स्कैम है ये। मैं यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती थी और मैं खुद भी एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। अखबारों में बड़ी बड़ी स्कीम आती थी, हमारे एग्जाम में पूरा ये बड़े बड़े 1600-1600 नंबर के ना ये आते थे, एसेज आते थे, उस पर आता था कि भाई किसानों के लिए फलाना स्कीम है, धमकाना स्कीम है। घर आके जब मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि आपको क्या कंपनसेशन मिला, मेरे फादर एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो कहते थे कि हमने पटवारी से लिखवा दिया, दे दिया, कंपनसेशन इज इक्वल टू 0। ग्राउंड पे क्या नहीं मिला, तो क्या किसान, ये होगी किसान की बात। अब महिलाओं की बात कर लीजिए, ये सरकार जो वर्तमान हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, किस बेसिस पे आई थी 2014 में? ये महंगाई के खिलाफ, सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ, जो ऑयल प्राइसेस थे उसके खिलाफ आई थी। आज की दशा बताइए, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। युवा पीढ़ी जिसके साथ, जो हमारा भविष्य है, अगर हमारा युवा थोड़ा सा भी बौखला गया और गलत रास्ते पे चला गया, तो आपको भी पता है हमारे देश का क्या भविष्य होगा। कथूरिया जी, आप ही उस दिन कह रहे थे गांव के गांव खाली हो रही है, कहां जाए? ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे फ्रॉड होंगे और एचपीएससी जैसा एग्जाम होगा और यूपीएससी, देखिए लेटरल एंट्री स्टार्ट कर दी। हमारे टाइम में जब मैंने लास्ट एग्जाम दिया था यूपीएससी के लिए, 1500 सीट थी। आई अपीयर्ड इन 2009, आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, दैट टाइम देयर वर 1500 सीट, आज कितनी सीट है? 500-600, और वो भी फिर आपकी बाकी लेटरल एंट्री। व्हाई सबको मेरिट पे चांस क्यों नहीं दिया जा रहा? इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी का साथ देने में गर्व होता है, इसकी नीतियों पे गर्व होता है। देखिए कैंडिडेट तो हर टाइप के हर पार्टी में होते हैं, बट आप जो बेसिक एक फाउंडेशन स्टोन है, वो इस पार्टी का ठोस है, आम जन के साथ है, और उसमें कोई दोराय नहीं है कि वो बिल्कुल ही देश हित में है। आप गाँव में और कॉलोनियों में दौरे किए आपने जैसे? हाँ जी। यहाँ की लोकल क्या समस्या है?
बिल्कुल जी जी, हर गांव की अलग समस्या है। जैसे हम धार गए थे, उनकी जोड़ की समस्या थी, प्राइमरी स्कूल की, कि भी प्राइमरी स्कूल है ढार के पास था कि मिडिल स्कूल नहीं है, स्कूल की काफी समस्या थी। फिर पानी की निकासी की समस्या थी। और अगर हम कॉलोनियों की तरफ जाते हैं तो उनकी भी जैसे ये रोड लाइट, बड़ी बेसिक जो नहीं होती मूलभूत सुविधाएं, उन्हीं की समस्या है। बरसत रोड पे हमारा ऑफिस है, आप अगर बरसत रोड से खोदपुरा तक जाएंगे तो वो रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि आज हम आजादी के इतने 75 साल बाद का महोत्सव बना रहे हैं, हम ये मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। मगर हमारा टारगेट ये नहीं है कि बेसिक एमिनिटीज, तो आप भी मानते होंगे सर कि हर किसी को मिलनी चाहिए, हम उनसे ऊपर की बात करने चाहिए। हम शिक्षा की बात करते हैं कि पॉपुलेशन, ये सरकार कहती है कि भाई पॉपुलेशन के आधार पर स्कूल बंद कर दिया जाए, तो सरकार का क्या काम होता है? हमारी स्टेट वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट तो नहीं है। वेलफेयर स्टेट का परम धर्म क्या होता है? अपनी जनता के वेलफेयर का ध्यान रखना, चाहे उसको घाटा हो। प्रॉफिट मेकिंग स्टेट तो है नहीं है। अब ये उसके विपरीत चल कर रहे हैं, जहां प्रॉफिट मेकिंग स्कूल नहीं है उसको बंद कर दो, प्राइवेट स्कूल को आप पैसा दे दो। इज इट जस्टिफाइड? आई एम टॉकिंग, इट्स नॉट जस्टिफाइड सर, इट्स रॉन्ग डिसीजन। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हमारा वेलफेयर स्टेट है उसका काम है आम जन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ना कि फ्री में चीजें देना कि भाई उनका जो मनोबल है उसको तोड़ दिया जाए। आप एम्प्लॉयमेंट दो, अगले को मेरिट के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज दो, कम्पीट करेंगे लोग, आगे आएंगे। अपने देश को बढ़ाने का ये तरीका होता है। और जैसे बिजली पानी की आपकी समस्या है, बेसिक समस्या है आपकी, वो होनी ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो बेसिक गांव की ये जो रोड की, बिजली की, और जो और ये जब अब जैसे आपका ये वाटर, ये इतनी बारिश आई, फ्लडिंग हुई, इसका मेजर क्या है? जोड़ वाली जमीनों पे आप कब्जा करते जा रहे हैं, पानी जाएगा कहाँ? आप खुद बताइए। हम सब ड्रेनेज, निकासी नहीं है। ये सिर्फ पानीपत की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल ओवर हरियाणा निकासी। अंबाला डूब गया, क्यों गया? क्योंकि जितना भी उसका आउटलेट था है ही नहीं। कहाँ जाएगा वो पानी? सड़कों पे ही खड़ा होगा। डेवलपमेंट के नाम पे जो हमने इन्वायरमेंट को खत्म कर दिया है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। वर्तमान सरकार कहती है हम इन्वायरमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? वेयर इज इन्वायरमेंट? कितना ट्री कवरेज है हरियाणा में? हरियाणा को तो येलो स्टेट माना जाता है, सबसे कम ट्री कवरेज है हमारे हरियाणा का। आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है? और आप कांग्रेस सरकार के टाइम की बात करें, नंबर वन था। आज के टाइम पे देहात में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, शहरों में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। इट्स अ सीरियस स्टेट ऑफ अफेयर। यहाँ से अगर गांव खाली हो गए तो इट इज सीरियस कंसर्न, दैट शुड बी हैंडल प्रॉपरली। प्रियंका जी, शैलजा को अपनी नेता मानती है, अपनी प्रोग्राम भी करवाया आपने, और जिस तरीके से कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं ने की फ्रंट बनाया विद इन फ्रॉम द कांग्रेस, सुरजेवाला जी, शैलजा और किरण चौधरी, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अक्सर कहते हैं कि हम 33% टिकटें महिलाओं और युवाओं को देंगे, तो क्या आप में संभावना देख रहे हैं वो लोग? जी ये तो जी उनका टेक है, बट कहना इसे कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, क्या संभावना है। मेरा काम है अपना जो धरातल पे काम करना, अपनी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, उस काम को मैं पूरी निष्ठा से, पूरे नित नियम से कर रही हूँ। बाकी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो इट्स ऑल फ्यूचर। 20 जुलाई को सीएम सिटी करनाल में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इन्हीं तीनों नेताओं युवाओं के लिए हो रहा है। 30 तारीख को सिरसा में रैली भी है, आपकी कोई जिम्मेदारी दी गई आपको, आपको क्या करना है? आज उसी के लिए प्रोग्राम है जी, 4 बजे शाम को मीटिंग रखी गई है करोना, उसी के सिलसिले में जिम्मेदारी तो ना भी दी जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे युवाओं के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है, नौकरी नहीं मिल रही उन्हें, तो इसमें तो हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे खुद का पर्सनल दायित्व तो बनता है, बल्कि हम सबका बनता है कि हम आवाज उठाएं कि क्यों नहीं दी जा रही, इतने पद खाली पड़े क्यों नहीं भरते आप वो पद। मैं नहीं कहती कि भाई 9 लाख ने दिया और 3.5 लाख ने पास किया, 3.5 लाख को नौकरी दे दो, बट जितने खाली पड़े हैं उतने तो दे दो। वो क्यों खाली पड़े हैं? प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? कौन पहले प्राइवेटाइज? जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात हुई थी, मनमोहन सिंह जी ने की थी, सबसे ज्यादा कौन रोडों पे निकल रहा था कि भाई देश को बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? तो अब आप देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ, और वो भी कुछ, मैं प्राइवेटाइजेशन या इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ, बात है मोनोपलीज की। आप 20 MNCs को काम दो, 20 में हर 20 में से एक एक के पास अगर आप 100-100 की कैपेसिटी दोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट, और आप एक ही कंपनी को मोनोपली से सब कुछ दे देते हो। मिडिल लेवल जो वो होता है आपका, मिडिल लेवल जो ये आपके इंडस्ट्रियल हाउसेज है, उनको खत्म कर रहे हो। डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? SME, जो MSME है वो खत्म कर दी डीमोनेटाइजेशन का, यही हो। कितना परसेंट काला धन वापस आया? आज भी उभर पाए MSME? मुझे तो नहीं लगता उभर पाए और उभर पाएंगे। उसके बाद GST जिस तरीके से लागू किया गया,
एमएसएमईज जो होती हैं उनका क्या रहता है, सरकार को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और अब आप हर महीने का आप कहते हो आप जीएसटी रिटर्न डालो, मतलब कॉस्टली भी रहता है उनको, एक तो वैसे बिजनेस एक स्लंप है, कितना नुकसान होता है उनको। तो ये सरकार, मेरे को समझ नहीं आता किस प्रकार से नीतियां अपनी बना रही है और किस प्रकार से कर रही है कि हर सेक्टर बुरी तरह प्रभावित है।